नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में और इस सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो सर्वसुलभ कुछ दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेदिक रेफरेंस से तैयार की जाती हैं, आयुर्वेद की पुरानी किताबों से तैयार की जाती हैं, उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये चंद्रप्रभा वटी। जब आज हम ये शूट कर रहे हैं, 170 रुपये करीब इसकी MRP, 80 गोलियों की टैबलेट होती है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें शिलाजीत और लौ होता है जो आपको इसके पैकेट पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी इसमें कई सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। इसका जो मुख्य प्रयोग किया जाता है, जो खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके मूत्र कक्ष विकारों में या फिर जननेन्द्रिय के जो विकार हैं उनमें होता है। आसान भाषा में समझने के लिए ऐसा समझिए कि जितना भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वृक्क मतलब किडनी, अगर किडनी में किसी तरीके की सूजन आई है या फिर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये महिलाओं के लिए भी बहुत एक गुणकारी औषधि है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है, उनका यूट्रस कमज़ोर हो जाता है, गर्भाशय कमज़ोर हो जाता है, जिस दशा में कई बार कुछ महिलाएं देखेंगे कि जो गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं या फिर उसी वजह से उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उन सारी दशाओं में महिलाओं को किसी भी तरीके से अपने यूट्रस के इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो इसका प्रयोग कर सकती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो नासमझी में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिस वजह से उनकी जो शुक्रवाहिनियाँ हैं, मतलब वो सारी नसें जिसमें स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिस वजह से वो देखेंगे उनको कभी धात की शिकायत हो गई तो कभी शीघ्र पतन। तो इन सारी ही दशाओं में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि महिलाओं के लिए तो वाकई एक बहुत गुणकारी औषधि है। अब सवाल आ जाता है कि इसको कैसे खाना और कितना खाना है। इसका सबसे सिंपल तरीका, यदि आप इसके पैकेट को भी देखेंगे तो उसमें सजेस्ट किया जाता है कि आप 2 से लेकर 4 टैबलेट दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए। यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से गोल्डन टिप दे देता हूँ कि जब भी आप कभी किसी जड़ी बूटी या ऐसी किसी औषधि का प्रयोग करें तो डायरेक्ट उसकी जो डोज बताई गई है, एक्सट्रीम डोज बताई गई है, वहाँ तक ना जाएं। शुरुआत आप एक एक गोली सुबह शाम से कर सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटे के बाद ताज़ा पानी से एक गोली ले लीजिए, ऐसे ही डिनर के आधा घंटे बाद आप ले सकते हैं। और इसके साथ में ही ऐसे सारे युवा जो मैंने अभी उनको परेशानियाँ बताई, जो वीर्य संबंधित विकार है या शुक्र नाड़ियों संबंधित हैं, इसका और ज़्यादा लाभ लेने के लिए वो एक काम कर सकते हैं। जब भी कभी वो इसका सेवन करें तो वो अनुपान के रूप में, मतलब इसको खाने के थोड़ी सी देर के बाद, आधा घंटे के बाद लगभग, वो या तो पुनर्नासव का प्रयोग कर सकते हैं या फिर रुद्रासव। इनमें से अगर दोनों चीज़ को वो साथ में जोड़ लेते हैं तो देखेंगे ये चंद्रप्रभा वटी और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से और भी स्पीड से काम करती है। तो दोस्तों, ये तो रही चंद्रप्रभा वटी। इसमें मिलने वाले फ़ायदे मैंने आपको बताए कि किन खास बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, जब भी आप कभी किसी भी ऐसी औषधि का प्रयोग करें तो एक न एक बार किसी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि आयुर्वेद ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, इतने सारे योग दिए हैं जिनका प्रयोग हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर होता है। हो सकता है कि जो एक दवा मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती हो वो आपके लिए उतना काम ना कर पाए, तो इस दशा में आपका एक्सपर्ट ही आपको एक अच्छी राय दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इन वीडियो को लाइक करें। अगर ये जानकारी पसंद आई और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।